आचार्य तो की गई दिनयांजलि सर्वधर्म ने किया गुणानुवाद, सर्व समाज के वक्ताओं ने डाला आचार्य श्री के जीवन पर प्रकाश। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विदिशा जिले के पठारी में सकल दिगंबर जैन समाज ने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की विनयांजलि सभा का आयोजन किया, जिसमें सर्वधर्म के लोगों ने आचार्य श्री का गुणानुवाद कर विनयांजलि समर्पित की। सकल दिगंबर जैन समाज पठारी ने नगर के मुख्य बाजार स्थित झंडा चौक पर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की विनयांजलि सभा का आयोजन किया, जिसमें सर्वधर्म के लोगों ने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पुनीत पावन चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर विनयांजलि अर्पित की। इस दौरान सभी धर्म के अनुयायियों ने आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के द्वारा किए गए राष्ट्र समाज प्रकृति और आत्म कल्याण के कार्यों, उपदेशों, मार्गदर्शनों और संस्मरणों का गुणगान किया। इस दौरान LCD पर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म व्याख्यान उपदेश संदेश दिखाए गए। इस दौरान जैन समाज के अध्यक्ष राकेश सिंघई ने आचार्य विद्यासागर महाराज के पुण्य स्मृति में नगर पठारी में प्रवेश द्वार और कीर्ति स्तंभ निर्माण कराने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का संचालन आकाश जैन इंदौर और विनोद जैन भैया ने किया। इसी तरह बडोह बालाजी धाम में महंत विष्णु दत्त महाराज के सानिध्य में आचार्य श्री को विनयांजलि दी गई। इस दौरान सकल दिगंबर जैन समाज के अलावा भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश सह मीडिया प्रभारी सुनील साहू, अभिलाष ठाकुर, फैज मोहम्मद खान, देवेंद्र सिंह गढ़ी, कप्तान सिंह यादव, रानी अहिरवार सहित कई लोग शामिल हुए। विदिशा से आशीष सहेल। कि आसमान बन गए वो उठे तो ऐसे उठे कि आसमान बन गए, सारे जहां के वास्ते ईमान बन गए। हम उनके साथ में रहकर इंसान ना बन सके और गुरुवर हमारे साथ में रहकर भगवान बन गए, भगवान बन गए। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जहाँ तक जेल में जो कैदी है उन्होंने हथकरघा का प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है और लाखों कैदी ने हथकरघा से कपड़े भरा हुए हैं, और जब वो कैदी जेल से रिहा होते थे तब वो अपने घर वालों से मिलने नहीं जाया करते थे और वो सीधे आचार्य श्री से मिलने जाते थे, इससे ज्यादा प्रभावित थे। मैं जैन मंदिर के पास रहता हूँ और समय समय पर हमारे संतों का, जैन संतों का वक्तव्य सुनता रहता हूं। मैंने अपने जीवन में 6 वर्ष तक बहुत कुछ जो जैन लोग करते हैं वो मैंने नियम से किया। नियम से हम आपके सपनों को साकार कर सकें, यही आपके चरणों में हम सभी की अति श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना है, और सच्चे अर्थों में यही हमारी श्रद्धांजलि है, कृतज्ञांजलि है। नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु आचार्य भगवान। जिनवाणी किया था, हालांकि मैंने नहीं किया था, पठारी की माटी का आह्वान था, सोशल मीडिया पर छोटा